ओके जी, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि business.facebook.com पे आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट आप सबने बना लिया होगा। कुछ लोगों को इशू आए थे अकाउंट क्रिएशन के हवाले से, तो वो अकाउंट क्रिएशन में जो जो भी इश्यूज थे उनको जितने लोगों ने मुझे मैसेज किया उनको तो हमने कोशिश की सॉर्ट करें उनका इशू। कुछ लोगों के रिव्यूज़ पेंडिंग पे हैं, कुछ के सॉल्व हो गए हैं, कुछ ने जो है ना अभी मतलब उनको कोई इशू नहीं आया तो उनके बिजनेस अकाउंट्स बन गए हैं। जब बिजनेस अकाउंट आपका बन जाता है तो आपको एक इस तरह का पेज नज़र आता है जहाँ पे आपका सिर्फ एक बिजनेस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर मल्टीपल बिजनेस हैं क्योंकि मैं मल्टीपल बिजनेसेस को डील कर रहा हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका जी एक जो आपने अपनी कंपनी बनाई, आपने जो बिजनेस बनाया उसका पेज यहाँ पर शोर होगा। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का जो है ना एक लेआउट नज़र आता है सबसे पहले। अब इस लेआउट में क्या है जी, सबसे पहले आपको नज़र आ रही हैं बिजनेस सेटिंग्स। बिजनेस सेटिंग्स में आप देख रहे हैं सबसे पहले उस बिजनेस का नाम आ रहा है जो मैंने सेलेक्ट किया है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इनको चेंज कर सकता हूँ जब चाहूँ, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला फीचर जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है वो आ रहा है यूज़र्स का, ठीक है। यूज़र्स को जब मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं पीपल, पार्टनर्स और सिस्टम यूज़र्स। इसमें पीपल क्या चीज़ है, पीपल वो लोग हैं जो आपके इस बिजनेस मैनेजर में आ सकते हैं, जो नॉर्मल रेगुलर प्रोफाइल्स हैं। फिर इन लोगों ने अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट या तो नहीं किया, या वो चाह नहीं रहे कि उस बिजनेस अकाउंट से आपके साथ कनेक्ट हो, या अपनी प्रोफाइल से आना चाह रहे हैं। तो जब आप यूजर्स में पीपल पे जाते हैं तो यहाँ पीपल के आगे आपको इसकी पूरी एक जो है ना लेआउट इसका नज़र आता है, जहाँ पे आप इधर आपके जो लोग ऐड हैं उनमें से किसी को सर्च कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, या आप न्यू यूजर्स को ऐड भी कर सकते हैं। जब आप ऐड पे जाते हैं तो वो कहता है जी एंटर ईमेल एड्रेस, आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करना था। आप एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक यूज़र डाला, देन कॉमा डाल के दूसरे की ईमेल डाली, तो जितने लोगों के ईमेल एड्रेसेस होंगे उन सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा दैट यू आर इनवाइटिंग देम इन देयर बिजनेस मैनेजर। एक्सेस यहाँ पे दो तरह का होता है, एक जी एम्प्लॉई एक्सेस जो बाय डिफॉल्ट मिला हुआ ही होता है, ठीक है, जिसमें दे कैन ओनली वर्क ऑन असाइंड अकाउंट्स एंड टूल्स, तो उसमें जो भी आपने उनको टास्क असाइन करेंगे सिर्फ वही उनको मिलेगा। या आप उनको एडमिन एक्सेस दे सकते हैं, एडमिन हैव फुल कंट्रोल ओवर योर बिजनेस, दे कैन एडिट सेटिंग पीपल अकाउंट्स एंड टूल्स। एडमिन एक्सेस देने का मतलब ये है कि आपने उनको अपनी सारी पावर्स दे दी, वो जब चाहें जिस तरह की चीज़ें जो है ना एडिट कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको भी आपके बिजनेस मैनेजर से रिमूव कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में अगर जाते हैं तो जी फाइनेंस एनालिस्ट का एक ऑप्शन है, फाइनेंस एडिटर या डेवलपर का ऑप्शन है, जो थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसमें अभी हम जाने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है। इधर इफ़ यू गिव देम एडमिन एक्सेस, ठीक है, तो उनके पास ऑलरेडी फुल एक्सेस चला गया है। और यू कैन गिव देम फाइनेंस एक्सेस, जहाँ पे क्या चीज़ है कि जी जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, इनवॉइसेस जनरेट कर रहे हैं फेसबुक और आप आपस में, वो भी इनको नज़र आएगी। फाइनेंस एडिटर क्या कर सकते हैं कि जी उस इनवॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से कि जी वो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। देन डेवलपर है, डेवलपर्स क्या करते हैं कि जी जो कुछ एक्सटेंशन एप्लीकेशंस इस तरह की चीज़ें जो आप के बिजनेस के लिए वो बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं इस फीचर के साथ, ठीक है। तो खैर आपने एम्प्लॉई एक्सेस करके उनको यहाँ से जब आप नेक्स्ट करेंगे, लेट्स से मैंने एक ईमेल एड्रेस दे दिया, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे क्या हो गया, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन कौन से पेजेस जो है ना उनको असाइन करना चाह रहे हैं। तो पहले आ गया जी क्लासिक पेजेस, न्यू पेज एक्सपीरियंसेस हैं जो अभी इतना फ्रीक्वेंटली ऑन नहीं है। न्यू पेजेस में मोस्टली मोनेटाइजेशन वाले पेजेस आते हैं। क्लासिक पेजेस की अगर बात करें तो ये आपके नॉर्मल पेजेस होंगे अभी फिलहाल, आपने उसमें से कोई भी एक पेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने NFTP बिजनेस सेलेक्ट कर लिया कि जी आप इस पेज का एक्सेस उनको देना चाह रहे हैं। अब उस पेज में आप क्या क्या चीज़ें देना चाह रहे हैं उनको, हम जी पब्लिश कंटेंट का उनको ऑप्शन देना चाह रहे हैं। तो पब्लिश कंटेंट का मतलब है कि वो पब्लिश एज पेज कर सकते हैं पेज में, तो ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट ऑन हो गई कि जी वो कमेंट्स रिव्यू भी कर सकते हैं, वो मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, वो एड्स भी चला सकते हैं, वो आपके पेज की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं।
अर्निंग की इनसाइट्स वो नहीं देख सकते, अगर आप चाहें तो मैनुअली उनको ऑन कर दें या ऑफ कर दें, और यू कैन जस्ट गिव देम फुल कंट्रोल कि आप जी पूरा पेज मैनेज करें। अच्छा यहाँ से अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं कि अभी ये सारी चीज़ें बंद हैं, मैंने पब्लिश कंटेंट किया था तो ये सब खुल गए थे। मैं इनको अगर इंडिविजुअली करता हूँ तो आप देखें कि अगर कमेंट्स ऑन कर रहा हूँ तो उसके साथ मैसेजेस भी ऑन हो रहे हैं, अगर मैं सिर्फ एड्स ऑन कर रहा हूँ तो और कुछ ऑन नहीं हो रहा, अगर मैं परफॉर्मेंस ऑन कर रहा हूँ तो और कुछ ऑन नहीं हो रहा। ये उसी तरह है जिस तरह हम पेज में इंडिविजुअली देखा था कि एडिटर कैन डू एवरीथिंग, देन एडवर्टाइजर कैन ओनली क्रिएट एड्स एंड सी परफॉर्मेंस, एंड एनालिस्ट कैन ओनली सी द परफॉर्मेंस। बट इफ़ यू गो फॉर फुल कंट्रोल, आप उनको फुल कंट्रोल अगर दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ऑन हो जाती हैं। ठीक है, जब आप ये चीज़ करेंगे तो इसके बाद, अच्छा नेक्स्ट चीज़ कहने, आपने पेज का एक्सेस दे दिया। सेकंड चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है ऐड अकाउंट्स। तब आपके जितने ऐड अकाउंट्स हैं आप उसमें से कोई भी एक ऐड अकाउंट सेलेक्ट करके, जो भी आप देना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन मीडिया ऐड कैंपेन्स वगैरह बनाए, आप उसको सिलेक्ट करें उस ऐड अकाउंट को। आप उसको मैनेज कैंपेन का अगर फीचर देते हैं तो उसके साथ तो परफॉर्मेंस भी देख सकता है, क्रिएटिव आपके मॉकअप्स भी देख सकता है। आप उसको सिर्फ व्यू परफॉर्मेंस देते हैं तो अगेन वो एनालिटिक्स वाली बात हो जाती है, आप उसको मैनेज क्रिएटिव हब मॉकअप्स देते हैं तो वो क्रिएटिव हब के सिर्फ जो है ना फीचर्स यूज कर सकता है, और इफ़ यू कैन जस्ट गो विद मैनेज एड अकाउंट तो वो ऑटोमेटिकली फुल कंट्रोल उसको दे दिया। नेक्स्ट थिंग इज कैटलॉग्स। कैटलॉग्स एक नया फीचर आया फेसबुक का, जिसमें वो क्या करते हैं जी कि आपके प्रोडक्ट को स्टडी करते हुए आपके लिए एक कैटलॉग क्रिएट हो जाती है, जिसको आप अपना फेसबुक पे ही ई कॉमर्स स्टोर कह लें, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स पब्लिश करते हैं उनकी प्राइसिंग के साथ, और लोग वहीं से उनको देख के ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कैटलॉग सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद अगेन वही चीज़ है कि कैटलॉग से रिलेटेड वो एड्स चला सकता है, और यू कैन जस्ट गिव हिम फुल कंट्रोल। दोनों में, दोनों की बात आई थिंक सेम ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये होता है कि वो कैटलॉग को भी अपडेट कर सकता है, एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ उसके लिए ऐड चलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वी गो विद एप्स। अच्छा गाइज, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा लगता है कि अभी आपका इस सेशन में इंटरेस्ट नहीं है, आपका अपने उस सवाल पे ज़्यादा फोकस है, दैट्स वाई आप इससे ज़्यादा जो है ना वो चीज़ का जवाब ज़्यादा ज़रूरी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस होती हैं फेसबुक में, डिफरेंट एप्स भी बनती हैं जो अभी हमारे पास इस अकाउंट में नहीं है, और वो बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है। इफ़ यू आर डीलिंग इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, या आपकी कोई ऐप है जो आप फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हैं, तब हम इस सेक्शन को डील करते हैं। पिक्सल्स क्या चीज़ है जी? पिक्सल बेसिकली एक लाइन ऑफ कोड है, जिसको जब आप अपनी वेबसाइट पे अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के बैकएंड पे इंस्टॉल करते हैं, तो उससे फेसबुक आपकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या आपकी उस वेबसाइट की सारी ट्रैकिंग कर सकता है, जिससे आपको फेसबुक को बेसिकली पता चलता है कि इस वेबसाइट या एप्लीकेशन पे कितने यूज़र्स आए हैं, उन्होंने किस किस पेज को विजिट किया है, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है, उन्होंने किस किस बटन पे क्लिक किया, उसकी जितनी भी मूवमेंट हो रही होती है आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो सब ऑटोमेटिकली इसको पता चल जाती है पिक्सल्स के थ्रू। तो हर बिजनेस का एक अलग पिक्सल बनता है, आपने उसमें से कोई भी एक पिक्सल सेलेक्ट करके, आपको पिक्सल की परमिशन देनी है अगर उस यूज़र को, आप उसको व्यू पिक्सल की परमिशन देना चाह रहे हैं, या आप उसको फुल कंट्रोल देना चाह रहे हैं जहाँ वो ऐड और रिमूव भी कर सके पिक्सल को। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज़र अकाउंट, यूज़र को, उस पीपल को ये सब एक्सेस दे सकते हैं। देन कम्स इंस्टाग्राम अकाउंट, जहाँ पे आपके पास जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स कनेक्टेड हैं आप उसको उसका भी एक्सेस दे सकते हैं। उसको भी मैंने इनमें से कोई भी लॉगिन नहीं किया हुआ, अदरवाइज सिनेरियो सिंपल है कि आपने सिर्फ यहाँ से परमिशन देनी, उसी तरह से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस पे कि आप क्या काम करवाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर यूजर से, आप उसको सिलेक्ट करते हैं, देन आप इनवाइट पे क्लिक कर देते हैं। जब आप इनवाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं अगर फॉर एग्जांपल
ठीक है, मैंने इसको इनवाइट पे क्लिक किया, तो अब इनको इनविटेशन चला गया एबीसी जीमेल को, तो भाई आपको हमने एफएनआर बिजनेस मैनेजर ज्वाइन करने के लिए ऑफर दी एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने उनको चार अकाउंट्स और टूल्स पे एक्सेस दे दिया। मैं या तो और लोग ऐड कर सकता हूँ और आई कैन जस्ट गो डन विद इट। अच्छा, अक्सर औकात लोगों को इशू आता है कि जब वो इनविटेशन भेजते हैं तो वो यूज़र को ईमेल नहीं आती उसकी। ठीक है, तो वहाँ उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यू जस्ट क्लिक ऑन रीसेंड और यहाँ पे वो यूआरएल दे देता है। ठीक है, इफ़ द पर्सन यू वांट इनवाइट हैज़ डिफिकल्टीज रिसीविंग द इनविटेशन यू मे यूज़ द फॉलोइंग यूआरएल। आप ये यूआरएल जैसे यहाँ से कॉपी करें और उनको व्हाट्सएप फेसबुक किसी भी तरह से उनको ईमेल कर दें, सॉरी उनको बस भेज दें। वो इस पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएंगे इफ उनके इस ईमेल से अकाउंट लॉगिन होगा तो। ठीक है जी, मैंने कैंसिल कर दिया तो इनविटेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल के अलावा अगर वो यूज़र आ भी जाता है तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आती है पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या है कि जी जिन लोगों ने अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाया हुआ है हमारी तरफ, और अब मैं चाहता हूँ कि उन बिजनेसेस के साथ मैं कनेक्ट करूँ अपने बिजनेस को। तो अब फॉर एग्जांपल एक ये पर्टिकुलर बिजनेस है, डिस्कस करते हैं, लेट्स से एक ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। इस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के साथ अभी जो है हमने एक पेज शेयर किया हुआ है लेट्स से, या हम बात करते हैं पार्टनर्स ने आई थिंक शेयर नहीं किया होगा, वायरल एच के साथ हम क्या शेयर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। अच्छा, इनके मोस्टली जो है ना अभी एसेट्स, क्योंकि बिजनेसेस हमारे पास ऐड है, इससे आप ये सब अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने इनके साथ क्या एसेट शेयर किया जी, कुछ नहीं। उन्होंने मेरे साथ क्या एसेट शेयर किया, उन्होंने अपना बिजनेस पेज मेरे साथ शेयर कर दिया। अच्छा, इससे होता क्या है, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन से होता यह है कि इन्होंने अपने पेज की ओनरशिप लेके रखी हुई है इस अकाउंट से, और मैं चाहता हूँ कि वो एक एक करके मुझे ऐड ना करें। भाई मेरी पूरी टीम इस बिजनेस मैनेजर में ऐड है, मेरे सारे टूल्स इस बिजनेस मैनेजर में ऐड है, आप सिर्फ इसको ऐड करो तो ऑटोमेटिकली मेरी पूरी टीम जो है ना वो इस पेज का एक्सेस ले सकती है। आप जो भी एसेट्स मुझसे शेयर करेंगे उनका एक्सेस मिल जाएगा, तो ये थोड़ा काम जो है ना आपका आसान कर देती है। ठीक है, अब जैसे ये एक मेरा डिफरेंट बिजनेस है, उस पर मैंने क्या किया, मैंने इनके साथ ये दो पेज शेयर किए, एक पेज शेयर किया, एक पिक्सल शेयर किया हुआ, और उन्होंने मेरे साथ ये दो पेजेस शेयर किए। तो इस तरह से शेयरिंग में क्या है कि मैं यूज़ करूँ या मेरे जितने भी ये लोग हैं जो मेरे इस बिजनेस मैनेजर में ऐड है वो भी ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास सिस्टम यूज़र। सिस्टम यूज़र्स क्या चीज़ है, ये उस तरह के एक्सटेंशंस कह लें या उस तरह के टूल्स हैं जो हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाते हैं। लेट्स से मैंने एक वेबसाइट बनाई वर्डप्रेस पे, मैंने एक वेबसाइट बनाई शॉपिफाई पे, मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई और मैं उसको एक्सेस देना चाहता हूँ अपने बिजनेस मैनेजर का, कि वो मेरे बिजनेस मैनेजर में रहते हुए मेरी मेरे जो एसेट्स हैं उनको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम लोग सिस्टम यूज़र्स को परमिशन देते हैं, वो उनकी वेबसाइट पे हम एक्सेस देते हैं, तो यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये पार्टनर क्रिएटेड सिस्टम यूज़र, ये मैंने एक वर्डप्रेस पे एक्सेस दिया तो उन्होंने मेरे फेसबुक पिक्सल और कैटलॉग पे एक्सेस लिया हुआ। एक वू कॉमर्स एक्सटेंशन है, उन्होंने भी यही चीज़ सिमिलरली दोनों एक्सेस लिए हुए, पिक्सल का कैटलॉग का। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताएं, पिक्सल पिक्सल बेसिकली एक लाइन ऑफ कोड होता है जो आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं उसको। ठीक है, ये मैं अभी डिटेल में बताऊंगा किस तरह से इंस्टॉल होता है जब हम शॉपिफाई या वर्डप्रेस की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये समझें कि कुछ लाइन ऑफ कोड्स होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे जितनी भी यूज़र की मूवमेंट होती है वो पिक्सल जो है ना वो सब रिकॉर्ड करते हैं और उसकी बेस पे आगे के वो डिसीजंस लेता है। जब हम एड्स चलाएंगे उसके लिए हमें पता चलेगा कि इस पिक्सल की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ओनली फॉर बिजनेस, नम्रा में सवाल नहीं समझा इसका, ये डेटा हमें कैसे ऐड करना होगा
ये डेटा ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना होगा। आप अगर आप किसी और यूज़र के साथ काम करना चाहती हैं आप यहाँ पे जाके उसको ऐड कर देंगी, आप किसी और बिजनेस के साथ काम करना चाहती हैं आप उसको यहाँ जाके ऐड कर देंगी, ठीक है। आप उसको अपना अपनी चीज़ों का एक्सेस दे सकते हैं या आप उससे उसकी चीज़ों का एक्सेस ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आप यूज़ करके आप जब उसको आस्क करेंगे तो यहाँ पे टूल शुरू हो जाता है कि जी गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप उस बंदे का नाम, ईमेल एड्रेस लिखना है, उसकी बिजनेस आईडी यहाँ पे आपको देनी होगी, जैसे मेरी बिजनेस की आईडी ये यहाँ पे शो हो रही है, ये बिजनेस आईडी उसकी बिजनेस आईडी आप वो आप उससे लें प्राइवेट बात करके और वो यहाँ पे आप पोस्ट करें, ठीक है। फिर यहाँ से आप उसको बोलें कि जी मैं कौन हूँ इसके बिजनेस में, मैं या तो ब्रांड हूँ या बिजनेस हूँ या मीडिया एजेंसी हूँ, मैं अदर टाइप ऑफ पार्टनर हूँ। हमने मीडिया एजेंसी कर लिया जी। पार्टनर का रोल, आपका जो पार्टनर है जिसको आप ऐड कर रहे हैं उसका रोल क्या है, क्या है वो क्लाइंट है, क्या वो भी एजेंसी है या वो किसी और टाइप का पार्टनर है। आपने कहा जी वो क्लाइंट है। इस तरह करके जब आप उससे फिर नेक्स्ट स्टेप में वो एसेट्स पूछेगा कि आप उससे क्या क्या चीज़ें लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको बताएंगे जी मुझे पेज का एक्सेस चाहिए, मुझे सर्टेन चीज़ें चाहिए, और वो अगर अग्री करता है तो आपके साथ वो चीज़ें यहाँ पे शेयर हो जाएंगी। दरा आप ये सवाल आप लास्ट में पूछिएगा मुझसे। अनम लेक्चर्स अपडेट नहीं हुए तो हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा कैटेगरी फॉर ऑर्डिनरी पेज टू बिजनेस पेज, आपका पेज ऑलरेडी बिजनेस है, उसकी कैटेगरी चेंज नहीं होती है, मतलब किस तरह से आप चाह रहे हैं पेज की कैटेगरी चेंज किस तरह से होती है वो तो हमने लास्ट उसमें देखा था कि आप उसको जब चाहें अपनी पेज की थीम को चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप चाह रही हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाए तो वो अभी हम जब पेजेस पर आएंगे तो आपको मैं बताता हूँ किस तरह से आप लाएंगे उसमें यहाँ पे। सिस्टम यूजर्स बेसिकली ऐसे होता है जैसे जब आप शॉपिफाई पे गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। शॉपिफाई एक टूल है जहाँ पे आप इजीली अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे फेसबुक अपना एक अलग टूल देता है कि आप चाहें तो फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी इस वेबसाइट को, तो इस वेबसाइट पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो फेसबुक को पता चलती रहेंगी। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, अभी इन्होंने मेरे ख्याल में ऑप्शन भी बंद किया हुआ है, इसको भी कनेक्ट करके देखते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आया हूँ लॉगिन करके अपने फेसबुक को, तो यहाँ पे मुझे अलग अलग फीचर्स नज़र आ रहे हैं, सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक, स्टार्ट सेटअप। अब मैं स्टार्ट सेटअप पे जब जाता हूँ तो अ लाइन ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। इसमें जो है ना सबसे पहले वो फेसबुक अकाउंट मुझसे पूछ रहा है जी मेरे बिजनेस मैनेजर मुझे कौन सा कनेक्ट करना है, वो मैं लेट से करता हूँ, बिजनेस पे था या फिर लेट से मैं एफिनिएट को कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें मुझे याद है इसमें एक इशू था बिजनेस मैनेजर का, हम फिर बिजनेस मैनेजर भी ऐड हो गया। अच्छा, अब ये बोल रहे जी डोमेन वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है, ये मेरे ख्याल में लोड हो रहा है जी। डेटा शेयरिंग का वो पूछ रहे हैं जी, डेटा शेयरिंग हम ऑन कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपको जब जाएंगे ना उसमें शॉपिफाई में तब सिखाऊंगा। पॉइंट ये था कि अब यहाँ पे जो है ना वो कह रहे हैं कि जी पिक्सल कौन सा कनेक्ट करना है, तो मैंने कुछ पिक्सल बना के फेसबुक से जब इसको कनेक्ट किया ना, जब मैंने अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर इसको एक्सेस दिया तो इसको ऑटोमेटिकली उसके साथ जितने बिजनेस जितने पिक्सल्स कनेक्टेड है ना वो यहाँ पे इसको शो होना शुरू हो गया। अब ये कह रहा है इसमें से बताएं जी कौन सा पिक्सल है जो जिसकी इंफॉर्मेशन आप इसके साथ सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि जी मेरा ये वाला पिक्सल है इसको कनेक्ट करते हैं आप इसके साथ, कनेक्ट हो गया। उसने कहा जी कॉमर्स अकाउंट नया बनाना है, बाद में बना लेंगे, ठीक
ठीक है, डोमेन वेरिफिकेशन भी हो नहीं रही, इसको चलो स्किप करते हैं। कॉमर्स अकाउंट पे जा रहे हैं जी, क्रिएट न्यू कॉमर्स अकाउंट करें आप। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया जी, फेसबुक कॉमर्स अकाउंट ने एक कॉमर्स अकाउंट बना दिया मेरे लिए और कहा कि प्रोडक्ट्स विल बी सिंक टू दिस कैटलॉग। इस कैटलॉग पे अब मेरे अपने प्रोडक्ट्स वो सिंक हो जाएंगे। अब वो कह रहे जी आपको टर्म्स एक्सेप्ट करनी है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ टर्म्स को। ठीक है जी, लंबी कहानी है, इसको एक्सेप्ट कर लेते। ठीक है, अगेन देखें कुछ इश्यू आया है जिसकी वजह से अभी कनेक्ट नहीं हुआ, अदरवाइज इसको हो जाना चाहिए। खैर एनीवेज, कनेक्ट होने के बाद इसकी जो है ना फर्दर प्रोसेसिंग ये होती है कि आपका पिक्सल इधर इंस्टॉल हो जाता है और अब इस वेबसाइट पे जितनी भी चीज़ें, जितने भी यूज़र आएंगे वो स्क्रॉल करेंगे मुझे पता चल जाएगा, वो क्लिक करेंगे मुझे पता चल जाएगा, वो किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे उस पिक्सल को पता चल जाएगा, वो यहाँ से ऐड टू कार्ट करेंगे पिक्सल को पता चल जाएगा, वो फिर इसके बाद चेकआउट करेंगे पिक्सल को पता चल जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन उस पिक्सल के पास सेव हो रही, तो इस इंफॉर्मेशन को आगे यूज़ किस तरह से किया जाता है वो हम आगे क्लासेस में बताएंगे। अभी सिर्फ बात ये कि जितनी भी चीज़ें मैं, जितने भी ये मेरी एक्सपीरियंस हो रहा है ना इस वेबसाइट के ऊपर, जितने मैं बटन दबा रहा हूँ, जितने मैं पेजेस पे जा रहा हूँ, वो सब पिक्सल का स्टोर हो रहा है। अगर मैं इनफैक्ट यहाँ पे आके भी वेबसाइट को बंद कर दूँ तो भी ये उसको पता चल जाएगा। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ तो भी उसको पता चल जाएगा कि जी उन्होंने अबेंडन कार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें जो है ना आपका पिक्सल सेव कर रहा होता है। पिक्सल खोल के दिखाएं, सब्र कर जाओ, अभी आ रहे पिक्सल पर। इससे फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे? नहीं, इससे फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं होंगे, नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके फॉलोअर्स वगैरह सब अपनी अपनी जगहों पर ही रहेंगे। हाँ जी, आप अपने मल्टीपल पेजेस एक ही अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यूजर सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगेन एक लंबी लिस्ट ऑफ थिंग्स है जिसमें सबसे पहले हमें नजर आता है पेजेस। पेजेस पे जब हम जाते हैं तो जितने भी पेजेस हमारे पास हैं वो यहाँ शो होते हैं। अगर यहाँ पे कोई पेज शो नहीं हो रहा, ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली क्लिक ऑन ऐड। यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, ऐड अ पेज। ऐड अ पेज का मतलब ये है कि एक ऐसा पेज है जो आप ऑलरेडी ओन करते हैं, आप उसके ऑलरेडी एडमिन हैं। कौन एडमिन है उसका? जिसने ये बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया हुआ, जो यूजर्स में बिजनेस एडमिन है। ठीक है, वो शख्स जो है ना यहाँ पे पेज को ऐड कर सकता है, तो उससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली पेज उसकी ओनरशिप में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं 99 सॉल्यूशंस, दिस इज ओन्ड बाय विनायक मार्केटिंग, दैट मीन्स कि मैं इसका ऑलरेडी एडमिन था और मैंने इसको ऐड कर दिया। आराम शॉप पे इंडिविजुअल पीपल ऑन दिस, ये ओन्ड बाय इंडिविजुअल पीपल, ये मेरा मैं ओन नहीं करता। आर्गस प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय आर्गस, ये मैं इसको ओन नहीं करता। अरोमा, हाँ जी मैं ओन करता हूँ इसको। सो सिमिलरली जितने भी आपके पेजेस होंगे जिनको आप ऐड अ पेज करेंगे और वो आपके होंगे पेज, अगर आप उस पर एडमिन हैं तो वो यहाँ पे ओन्ड बाय योर बिजनेस अकाउंट आ जाएंगे। अगर आप उस पेज के एडमिन नहीं हैं, आपका कोई क्लाइंट है जो आपको एक्सेस देना चाह रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे एक्सेस। आप रिक्वेस्ट जब करेंगे वो पूछेंगे अच्छा जी कौन सा पेज है, मैंने कहा जी लेट्स से ठीक है, मैंने कहा जी मैं आई बी ए का पेज जो है ना उसका एक्सेस चाहिए मुझे, और उसके बाद मैं इसमें से जो जो मुझे फीचर्स चाहिए मैंने बोला जी मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। तब जब मैं रिक्वेस्ट एक्सेस करूँगा ना तो आई बी ए का जो ओनर है या आई बी ए का जो एडमिन है उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा कि दिस पर्टिकुलर बिजनेस और दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉन्ट्स एक्सेस ऑफ योर एसेट्स। वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो मुझे मिल जाएंगे एक्सेस, वो डिक्लाइन करेगा तो ऑब्वियसली मुझे नहीं मिलेंगे।
इसमें ऑब्वियसली आपकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि जी मैं एक्सेस मांग रहा हूँ आपसे, आप उसको एक्सेप्ट करें, अप्रूव करें। थर्ड इज क्रिएट अ न्यू पेज, जो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आपके पास ना पेज बना हुआ है ना आपके पास किसी से एक्सेस लेना है तो आप अपना एक नया पेज क्रिएट कर लें, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और वही आपकी ओनरशिप में भी आ जाएगा। ठीक है, पेज जब आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे नजर आते हैं। फर्स्ट थिंग इज के यू कैन रिमूव समवन और यू कैन रिमूव एक्चुअली दिस पेज फ्रॉम योर बिजनेस मैनेजर और यू कैन सिंपली व्यू द पेज। आप क्लिक करेंगे पेज आप देख सकते हैं। देन आपको ऐड पीपल का बटन शो होता है, आप यहाँ पे ऐड पीपल जब करेंगे तो सिर्फ वो लोग जो आपके बिजनेस मैनेजर में इस सेक्शन में हैं आपके पास ऐड, आप उन्हीं में से किसी को ऐड कर सकते हैं इस पेज पर। फिर इनको भी क्या क्या आपने जो है ना एसेट्स शेयर करने हैं आपने इनके साथ, क्या क्या फीचर्स हैं जो आप इनके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो अगेन आप एक एक को इंडिविजुअली रीड करके दे सकते हैं। एंड वेन यू क्लिक ऑन असाइन तो ऑटोमेटिकली इनके पास यहाँ पे वो शो हो जाएंगे एज बिजनेस। ठीक है, अब ये दो बिजनेस इन इन दो आईडीज का बिजनेस अकाउंट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे पीपल में तो शो हो रहे हैं बट आई कैन नॉट डू मच विद दम, इनके साथ एसेट शेयर नहीं कर सकते यहाँ से जैसे बाकियों के साथ कर सकता हूँ। तो इसलिए बिजनेस मैनेजर में जब आप आ जाएंगे तो आप क्लाइंट जो है आपका वो ईजिली आपसे शेयर कर सकता है चीज़ें। ठीक है, सेकेंड इज पार्टनर्स, आप असाइन पार्टनर्स कर सकते हैं। पार्टनर्स कौन लोग थे जी, ये रहे पार्टनर्स, डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट बिजनेसेस जो आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं। आप यहाँ पे असाइन पार्टनर करेंगे तो उसकी बिजनेस आईडी या आप एक लिंक लेके उसको शेयर कर दें तो वो उस पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा तो उसके पास भी इस पेज का एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, मोर ऑर लेस बस यही चीज़ है यहाँ पे। जब आप व्यू पेज पे जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको एक डिफरेंट वही पेज बेसिकली जो हमने कल डिस्कस किया था वो आपको शो हो जाता है। ठीक है, पेज दोबारा आपके पास आ गया, वही सारे टूल्स जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, वही सारे पोस्टिंग्स वगैरह जो हमने करनी है अपने पेजेस पे। ठीक है जी, पेजेस के बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास एड अकाउंट्स। एड अकाउंट्स भी मोर लेस प्रोसेस सेम है, सेम तरह से आप ऐड कर सकते हैं। एक ऐसा ऐड अकाउंट जो आप ओन करते हैं आप उसको यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, आप किसी और के ऐड अकाउंट से रिक्वेस्ट ले सकते हैं या आप अपना न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ऐड होने के बाद अगेन उसमें आप लोगों को ऐड कर सकते हैं, आप पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं या आप उसके साथ किसी एसेट को कनेक्ट कर सकते हैं। एसेट्स क्या है जी, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स में आपके सारे पेजेस, एड अकाउंट्स, आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट्स, व्हाट्सएप अकाउंट्स, आपका पिक्सल वगैरह, ये सब आपके एसेट्स होते हैं तो ये आप शेयर कर सकते हैं इनके साथ। ठीक है जी, अच्छा ओपन जब हम एड्स मैनेजर पे गए हैं तो यहाँ पे हमें हमारा एड अकाउंट शो हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी एड अकाउंट अगेन दोबारा चेंज भी कर सकता हूँ और यहाँ पे हमें अपनी सारी कैंपेन्स, उनकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही होती हैं कि क्या एनालिटिक्स हैं, कितने पैसे आपने स्पेंड किए हैं, कितनी चीज़ें जो हैं बेसिकली आपके रिजल्ट्स क्या रहे हैं अपनी कैंपेन्स को लेके, वो सब एनालिटिक्स यहाँ शो हो रहे होते हैं। यहीं से आप अपने ऐड कैंपेन्स क्रिएट भी कर सकते हैं, आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं। ये इटसेल्फ एक अलग डिफरेंट टॉपिक है जिस पर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा जी, तो ऐड अकाउंट्स के भी आप एक्सेस इस तरह से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं आप अपने यूजर्स के साथ। अच्छा जी, बिजनेस एसेट्स ग्रुप क्या है? बिजनेस एसेट्स ग्रुप ये है कि आप डिफरेंट जो है ना ग्रुप्स बना सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं आप सिमिलर, लेट सपोज आप कहते हैं कि जी मेरा क्लाइंट है और उसके ये मल्टीपल एसेट्स हैं, आपने उन सबको एक ग्रुप बना के रख दिया ताकि आपको इंडिविजुअली हर किसी को एक एक जो है ना एसेट शेयर नहीं करना पड़े। आगे आप पूरा ग्रुप शेयर कर दें और उस पर्टिकुलर यूजर को पूरा ये ग्रुप जो है ना वो मिल जाएगा। अच्छा, पार्टनर ऐड करने का पर्पस ये है कि आप एक ही वक्त में पूरी टीम को
दो दो टीमों को बेसिकली एक बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हैं। एक पार्टनर की टीम होगी जो उसके बिजनेस मैनेजर में ऐड होगी, एक आपकी टीम होगी जो आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड होगी। दूसरा, जरूरी नहीं है सिर्फ टीम ही हो, आपके बहुत सारे एसेट्स होते हैं जो आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड है। तो बजाय इसके कि आप, अगर आप एक इंडिविजुअल ही हैं ठीक है, तो आप फिर तो मांग सकते हैं क्लाइंट से कि जी मुझे एज अ पीपल ऐड कर दें और फिर सारे एसेट्स शेयर कर दें। लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया हुआ है और उसमें आपके अलावा भी और लोग हैं, तो आप क्लाइंट को ये तो नहीं कहेंगे ना कि जी एक काम करें जी, मुझे रहमान को, एहसन को, इन सबको ऐड करें और इन सबके साथ ये चीज़ें शेयर करें, तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आप कहते हैं कि जी अच्छे काम करें, मुझे एज अ पार्टनर ऐड करें, ये मेरी बिजनेस आईडी है ठीक है, और इसको आप ऐड करें और आप मुझसे सारे एसेट शेयर कर लें। जब वो आपके साथ सारे एसेट शेयर कर लेगा, तो क्योंकि आपके पास ये सब लोग ऐड हैं, तो ऑटोमेटिकली इनको भी वो सारे एसेट शेयर हो जाएंगे इनके साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट कम्स दी एप्स। एप्स हमने डिस्कस की कि एप्लीकेशन जो होती है ना फेसबुक पे, वो मोर और लेस अब तो काफ़ी जो है ना एक हद तक कम हो गई है, और अदरवाइज वो एक टाइम पे काफ़ी बनाई जाती थी। अगर हम ऐड पे जाते हैं, लेट सपोज हम कहते हैं कि जी एक ऐप की आईडी है, लेट सपोज आप एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं जो कि करीम उबर जैसा है या कुछ भी है, फूड पांडा जैसा है, और आप चाहते हैं कि उसकी एप्लीकेशन जो है ना वो आप कनेक्ट कर लें अपने बिजनेस मैनेजर के साथ, ताकि आप उससे रिलेटेड एड्स चला सकें, उसको अपनी जो है ना उसके जितने फीचर्स प्रोवाइड करते हैं फेसबुक, आप उसको यूज़ कर सकें। तो आप यहाँ पे उसकी, अगर आप ओन करते हैं उसको, तो यहाँ पे आप उसकी ऐप आईडी को कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है। अगर आप उसको ओन नहीं करते, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी ऐप आईडी है, और यू कैन सिंपली क्रिएट अ न्यू ऐप आईडी। देन कम्स इंस्टाग्राम अकाउंट्स। इंस्टाग्राम अकाउंट्स में अगेन आपके पास जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या सिंपल ऐड करें, कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, वो आपसे इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड पूछेगा, आप उसको ऐड करें, वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। एंड देन अगेन सेम चीज़ के फिर आप उसमें भी अपने लोगों को ऐड कर सकते हैं, पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं, कोई एसेट्स कनेक्ट कर सकते हैं, या सिंपल उस इंस्टाग्राम अकाउंट को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। कॉमर्स अकाउंट्स क्या चीज़ है जी? कॉमर्स अकाउंट्स इज बेसिकली द कैटलॉग अकाउंट ठीक है, जो कॉमर्स मैनेजर एक अलग फीचर दिया है फेसबुक ने। कॉमर्स अकाउंट क्या करता है कि वो आपकी कैटलॉग भी क्रिएट करेगा, उस कैटलॉग को आप एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, बेसिकली एक तरह से आपकी ई कॉमर्स शॉप ही है ये ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा जी ये मेरी एक शॉप है ठीक है, उसमें मैंने कैटलॉग कनेक्ट की हुई है, उसमें क्या क्या आइटम्स हैं मेरे ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, उसकी डिटेल्स हैं, शॉप्स क्या क्रिएट की हुई है मैंने, वो शॉप नज़र आ गई जी ये मेरी शॉप है ठीक है। यहीं से मुझे दिख जाएगा कि जी मैं इसके एड्स चला सकता हूँ, यहाँ से भी ट्रैफिक एड्स अलग होते हैं, डायनेमिक एड्स अलग होते हैं, वो जब हम एड्स पे जाएंगे तब देखेंगे। इनसाइट्स भी हम यहाँ से देख सकते हैं इस पर्टिकुलर शॉप की। एंड देन सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली एक नया जो हम बात कर रहे हैं ना आजकल, न्यू न्यू फेज ऑफ ई कॉमर्स या न्यू फेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसमें अभी होगा ये आगे चल के सोशल मीडिया, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम वेबसाइट बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया से ट्रैफिक को लेके जाते हैं उस वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो अब बहुत जल्द क्या होने वाला है कि फेसबुक, स्पेशली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, दे आर वर्किंग ऑन कि हम अपना ही हर यूज़र को जो है ना फीचर दे दें कि आप अपना ई कॉमर्स स्टोर सोशल मीडिया पे बनाओ, क्या ज़रूरत है यूज़र को बाहर भेजने की सोशल प्लेटफॉर्म से। तो बहुत अभी बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि सब लोग मूव करेंगे अपने ई कॉमर्स स्टोर्स बनाने पे ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि एक तो उनको चीपर ट्रैफिक मिलेगा, इजी कन्वर्जन हो जाएंगी, और यूज़र को किसी और वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक नेक्स्ट फेज आने वाला है जिसके लिए आप लोगों को अभी से तैयारी करनी है ठीक है जी। कमिंग बैक टू कॉमर्स अकाउंट्स हमने देख लिया, या उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। व्हाट्सएप अकाउंट्स, आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, और मज़ीद अगेन सेम चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं व्हाट्सएप अकाउंट्स को। तो दिस इज़ द बेसिकली अकाउंट सेक्शन, जहाँ पे आपकी अकाउंट्स जितने भी हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, वो सब आप यहाँ पे उनको ऐड, मैनेज, शेयर, रिमूव कर सकते हैं।
ये कैटलॉग वो नहीं है जो व्हाट्सएप बिजनेस में आता है, वो डिफरेंट है, लेकिन मोर और लेस आप इसको नहीं, वो ये दोनों वैसे डिफरेंट चीज़ें हैं, ये कनेक्ट नहीं होती हैं। वो कैटलॉग सिर्फ आपके बिजनेस मैनेजर की हद तक होता है कि जो भी आपका बिजनेस व्हाट्सएप देखता है उसको वो कैटलॉग आपकी नज़र आती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि व्हाट्सएप कैटलॉग और फेसबुक कैटलॉग दोनों कनेक्ट इस तरह से हो जाएं कि लोग व्हाट्सएप से ही ऑर्डर देना शुरू कर दें आपको, ऐसा भी नहीं हुआ है। वो सिर्फ आपकी कैटलॉग एक शोकेसिंग की हद तक है कि जो आपकी जो आपके बिजनेस मैनेजर का अकाउंट खोले उसको आपको उसको आपकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नज़र आ जाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट वी कम टू डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी कैटलॉग्स हमें शो होती हैं। अब ये कैटलॉग्स अगेन आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी कैटलॉग का एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अपना बिजनेस है आप उसकी क्रिएट करेंगे कैटलॉग और उसको कनेक्ट कर देंगे। अगर किसी और का बिजनेस है आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कैटलॉग का, या जब वो आपसे आपको जब यहाँ ऐड कर रहा होगा एज अ पीपल या पार्टनर, तो आप उसको बोलेंगे जी कैटलॉग का भी एक्सेस शेयर कर दो। तो कैटलॉग में फॉर एग्जाम्पल जी वही अगेन सेम चीज़, पीपल पार्टनर, आप बिजनेस इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल्स भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। आप इस कैटलॉग में कुछ आइटम्स ऐड कर सकते हैं, आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, एंड अगेन अगर आप इसको ई कॉमर्स मैनेजर में ओपन करते हैं तो आपको दोबारा से वही पेज नज़र आ जाता है जो हमने देखा था, जहाँ पे हम इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी इस कैटलॉग को। नेक्स्ट इज पिक्सल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मैं कहूँगा ई कॉमर्स मार्केटिंग करने वालों के लिए। अच्छा, पिक्सल क्या होता है जी? पिक्सल सिंपल, वो भी इसी तरह आप ऐड करते हैं, ऐड करके वो पिक्सल का नाम पूछेगा, वो आपकी वेबसाइट का यूआरएल पूछ लेगा, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू तो वो आपके एक पिक्सल क्रिएट कर देगा जो कि कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, अब ये पिक्सल तो नज़र आ गया, लेकिन अब इस पिक्सल में चले यूज़र भी ऐड कर दिए हमने, सब चीज़ें कर दी, लेकिन ये पिक्सल है कहाँ? ठीक है, तो अब हम इसको दिखाते हैं कि जी पिक्सल जब आप ओपन इन इवेंट्स मैनेजर पे जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको वैसे थिंक इवेंट सोर्स ग्रुप्स पे नज़र आ जाएगा, या हाँ इवेंट सोर्स ग्रुप्स पे वैसे नज़र आ जाएगा आपको, लेकिन अगर आप यहाँ से भी क्लिक करें ओपन इन इवेंट्स मैनेजर पे, तो आपके जितने भी पिक्सल्स हैं वो सब आपको यहाँ शो हो जाते हैं। और उस पिक्सल की सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उस पिक्सल का ये कोड, ठीक है। ये जो कोड है ना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इस कोड को कॉपी करते हैं और देन उसके बाद आप किसी भी अपनी वेबसाइट पे, लेट सपोज मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, वर्डप्रेस कर, My name is Robert, and in this video, I will show you how to install a Facebook pixel on your WordPress website. If you do Facebook ads and you are serious about that, you would definitely want to target people that are already visiting your site, and the Facebook pixel will help you do just that and even more. To run Facebook ads, you have to have a personal or business page. You can't do advertising on Facebook with your personal profile. If you don't have a page yet, just click on Create over here, pick Page in this drop-down, get notified of a business account here. As you can see, the Facebook pixel will help you run conversion campaigns, build advanced reporting and custom retargeting audiences. Pick a name for your pixel and enter your website's URL below, which is optional. Click Continue and then choose
how you want to install the pixel code. The easiest way is to add the code by using a partner integration. So click here and then pick the WordPress option below. It seems that the automatic integration is not working right now for some reason, so I have to do it manually. To do that, open this page in your browser. You can find the link in the description box and download the Facebook Pixel for WordPress plugin. Then go to your dashboard and upload the plugin, like you would do with any other plugin, install and activate it. Now you have to click here to configure the plugin. Then go back to your business manager and copy the pixel ID to your clipboard. If you have multiple pixels, make sure you select the right one before copying its ID. Then go back to your dashboard and paste the ID in this field. Click Save Changes and you are good to go. Reload the business manager page and you can see that the red dot becomes green here, which means that your Facebook pixel is working properly and you can start using it when advertising your website. If you go to Audiences in your Ads Manager and create a custom audience, use the website as your source of data and then okay ji. समझ आया किस तरह से इंस्टॉल किया गया पिक्सल. अभी इसको इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, हम आगे समझेंगे. जस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कोड मैं आपको समझा रहा था कि इसको बहुत इम्पोर्टेंस है और यही कोड है जो हम इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे, जहां से वो सारा डेटा हमसे शेयर करते हैं. ठीक है जी. अच्छा, क्या सवाल था कि जी दो वेबसाइट पर एक ही पिक्सल ऐड किए हैं तो ये अलग स्टैट्स सिखाएगा दोनों के, और एक पिक्सल ऐट अ टाइम कितनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं. एक पिक्सल आप मल्टीपल वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं जितनी चाहें, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि उसकी नीश सेम हो, उसकी जो टारगेट ऑडियंस हो वो सेम हो. कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दो अलग बिजनेसेस जिनकी टारगेट ऑडियंस अलग है उसको, उसके पिक्सल को आप सेम ही जगह पे एक ही पिक्सल दोनों पे यूज़ कर लें तो उससे ऑडियंस आपकी जो है ना बड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी. लेकिन हाँ, आप कर सकते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स पे सिंगल पिक्सल यूज. ठीक है जी. अच्छा, डेटा सोर्सेज से वापस आते हैं हम. पिक्सल हमने देखा कि कितनी ख़तरनाक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये. अच्छा, आगे जो ये बात करने जा रहे थे ना वीडियो वाले साहब, वो ये थी कि इस पिक्सल में स्टोर हुई हुई ऑडियंस से हम किस तरह से जो है ना खेल सकते हैं, इस पिक्सल की ऑडियंस से किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि जी पेज व्यू की अगर हम बात करें तो ये हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 1000 लोगों ने एक घंटे के अंदर, पिछले एक घंटे में 1000 लोगों ने इस वेबसाइट को खोल के देखा. उसमें से ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, मतलब किसी प्रोडक्ट को अपने कार्ट में कितने लोगों ने डाला जी, 34. मैं चाहूँ तो इसमें और इवेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ. ठीक है, मैं इवेंट्स वगैरह अटैक कर सकता हूँ, सेटिंग्स वगैरह, वो सब चीज़ें भी हम जब पिक्सल सेटअप की बात करेंगे तब हम देखेंगे. और ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस वगैरह किस तरह से बनानी है वो जब हम ऐड क्रिएट करने पे जाएंगे तब हम देखेंगे. अच्छा जी, ऑफलाइन इवेंट सेट्स क्या चीज़ होती है जी. ठीक है, ऑफलाइन इवेंट सेट्स ये होता है कि व्हेन बेसिकली कि व्हेन यू आर ऑफलाइन, ठीक है, और उस टाइम कोई एक्शन परफॉर्म होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो वो किस तरह के इवेंट्स हैं जो आप यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए भी सेम है. यू गो टू द इवेंट्स मैनेजर, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके इवेंट्स आते हैं वहाँ पे आप अपने इवेंट्स को ऐड कर सकते हैं बेसिक. ठीक है जी, अगेन सेम आपके टर्म्स को प्रूव करना है. अच्छा, अब वो इवेंट्स क्या क्या हैं जी, आप यहाँ पे कस्टमर की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि जी वो कौन है क्या है. आप उसकी जो है ना इवेंट की बेसिकली टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं कि जी वो किस टाइम पे मेरी वेबसाइट पे था, या किस टाइम पे वो आया था, या किस टाइम पे उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया था. ठीक है, या आप उस इवेंट की डिटेल्स लिख सकते हैं कि जी उसने क्या क्या किया था, परचेज की थी, उसने ऐड टू कार्ट किया था, उसने कोई फॉर्म फिल किया था, व्हाट्सएवर.
इस तरह की इवेंट्स की लिस्ट बनती है जो आप सीएसवी में अपलोड कर सकते हैं, बट दैट्स अ बिट टेक्निकल जिस पे भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, कस्टम कन्वर्जन्स, कस्टम कन्वर्जन भी उसी तरह से जो हमने इवेंट्स में देखा था कि आपकी वेबसाइट पे कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा बटन है जिसको आप चाहते हैं कि दिस इज माय कस्टम कन्वर्जन, यहाँ पे क्लिक अगर कर देगा तो मैं इसको कन्वर्जन कंसिडर करूँगा। तो वो कस्टम कन्वर्जन की जो आईडी है वो आप यहाँ डालेंगे, सेम पिक्सल की तरह की वो आईडी होगी जो आप जनरेट करेंगे अपने डेवलपर्स के साथ। और उस कन्वर्जन पे क्या होगा कि जब भी आप ऐड चलाएंगे, आप इस कन्वर्जन को सिलेक्ट करेंगे, तो फेसबुक क्या करेगा जब वो ऐड चलाएगा और कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा जिसकी कन्वर्जन ये होगी, तो वो उसको एज अ कन्वर्जन अपने एड्स मैनेजर में यहाँ पे सेव कर लेगा रिजल्ट्स में। ठीक है, देन हम आते हैं इवेंट सोर्स ग्रुप पे, जिसका मुझे भी ऐसे जितना अभी आइडिया नहीं है। ठीक है, अभी नॉट बनेगी कन्वर्टेड टू बिजनेस एसेट्स ग्रुप। अच्छा, वो बिजनेस एसेट ग्रुप्स ही हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। शेयर्ड ऑडियंसेस, ठीक है, ऑडियंसेस शेयर्ड विद अदर एड अकाउंट्स और दो शेयर्ड विद यू विल बी लिस्टेड हियर। ठीक है जी, शेयर्ड ऑडियंस में क्या चीज़ होती है कि जब हमने बात की थी हमारे पिक्सल में जितना डेटा बेसिकली स्टोर्ड है, ठीक है, वो कोई और बिजनेस, ठीक है, कोई और एड अकाउंट हमारे साथ अगर शेयर करेगा तो वो यहाँ पे हमें शो होंगी। लेकिन आई थिंक इसमें अभी तक कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा कि हाउ कैन आई ऐड देम और हाउ कैन समवन एल्स शेयर द ऑडियंस विद मी। इसको थोड़ा देखेंगे हम। बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स, ठीक है जी, बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें? इसमें आप एक फोल्डर बनाएं, ठीक है, और जितना भी आपका कैलेंडर कह लें, जितनी भी पोस्ट आपको करनी है एक पर्टिकुलर मंथ में, वो सारी यहाँ पे बना के उसको अपलोड कर दें। तो जब आप एड्स चलाने पे जाएंगे, जब आप पोस्टिंग्स पे जाएंगे, तो आप डायरेक्ट यहीं से उसको पिक कर सकते हैं। अच्छा जी, डिटेल्ड आउटलाइन आई थिंक आप अगर उनसे बात करें नायला से, तो वो प्रॉबेबली आपको प्रोवाइड कर दें। बाकी इसमें यह है कि फ्यूचर क्लासेस का तो आपको पता चल जाएगा व्हाट यू आर गोना स्टडी, बट उसमें थोड़ा मेरे ख्याल में टाइमिंग्स का होगा कि किस दिन क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें थोड़ी फ्लक्चुएशन आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ मी एंड मिस नॉली। यूजर नेम्स भी शो होंगे, यूजर नेम्स कहाँ पर? डेटा में नहीं, डेटा में मेरे ख्याल में नहीं, यूजर नेम नहीं शो होता, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, उस यूज़र की आईडी शो होती है, उसकी ईमेल आईडी शो होती है, उसका फ़ोन नंबर शो होता है, यूज़र नेम शो नहीं होता उसमें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ब्रांड सेफ्टी का। ब्रांड सेफ्टी एक ऑप्शन फेसबुक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, जब से वो iOS 14 का अपडेट आया था, और iOS में वो अब उसने एक बेसिकली कह सकते हैं पंगा क्रिएट किया कि जी हम अपने यूज़र की इंफॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो फेसबुक ने भी अपनी सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए किया है कि अब आपके जितने भी डोमेन्स हैं वो आपने वेरीफाई करने, सो दैट आपके जो वेरीफाइड डोमेन्स होंगे उस पे एड्स इजीली चलेंगे, उस पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, और हम उनको प्रायोरिटी देंगे। जो रैंडम स्पैम वेबसाइट्स बन जाती हैं जो वेरीफाइड नहीं हो सकती बेसिकली, ठीक है, उससे सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या किया कि जब आप अपने डोमेन्स यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, आप सिंपल अपना डोमेन ऐड करेंगे, वो डोमेन को चेक करेगा इफ दैट वेबसाइट्स बेसिकली फुलफिल्स देयर ऑल रिक्वायरमेंट्स, तो वो उस डोमेन को आपके पास ऐड करके उस पे आपको वो डोमेन यहाँ पे वो उसको वेरीफाइड दिखा देगा। ठीक है, जैसे मेरे पास ये सारे वेरीफाइड डोमेन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें मैंने किस किस पार्टनर को कनेक्ट किया हुआ है, क्या क्या एसेट्स मैंने उसके साथ शेयर किए हैं, डोमेन एक्सेस मैंने किस किस को दिया हुआ है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से नज़र आ जाती हैं। ठीक है, तो ये देखें एक ही वेबसाइट के तीन डोमेन्स मैंने वेरीफाई करवाए हैं, ताकि जिस डोमेन से भी ट्रैफिक आएगा वो वेरीफाइड ही कंसिडर होगा।
ठीक है, देन देर इज दिस ब्लॉक लिस्ट. ठीक है, ब्लॉक लिस्ट में क्या है, चूज प्लेसेस वेर यू डोंट वॉन्ट योर एड्स टू अपियर. ठीक है जी, अब एड्स अक्सर औकात फेसबुक डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट जगहों पे शो करता है. आप ब्लॉक लिस्ट क्रिएट करके क्या कर सकते हैं कि जी डिफरेंट आपने क्या करना है, वेबसाइट डोमेन नेम्स इसमें डाल दें, फेसबुक पेज के यूआरएल्स डाल दें. ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप चाहते हैं कि मेरे एड्स ना शो हों, आप उस इसका एक नाम बनाएं, उसकी एक फाइल यहाँ पे अपलोड कर दें, तो फेसबुक जब भी आप एड्स चलाएंगे, फेसबुक अवॉइड करेगा उन प्लेटफॉर्म्स पे, उन वेबसाइट्स पे, उन यूआरएल्स पे अपना एड, आपका एड दिखाने से. अच्छा, मैं अगर एजेंसी रन करता हूँ तो बाकी लोग भी तो करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिफरेंट सेगमेंट्स जो है ना वो क्लाइंट्स के मैनेज कर रहे होते हैं. कोई क्रिएटिव साइड देख रहा होता है, कोई एड्स एडवर्टाइजिंग साइड देख रहा होता है, कोई डिज़ाइन सॉरी कंटेंट साइड देख रहा होता है. तो एक्सेस तो सबको ही चाहिए होता है ना. अब एक क्लाइंट है, वो कहता है जी मुझे एक डेडिकेटेड टीम चाहिए जो मेरी सारी क्वेरीज का रिप्लाई करेगी 24/7, और उसकी जो एग्जिस्टिंग एजेंसी है वो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, और कोई और एजेंसी है जो करती है. लेकिन वो जो दूसरी एजेंसी है वो क्रिएटिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है, उसके क्रिएटिव्स क्लाइंट को पसंद नहीं है. तो फिर आप म्यूचुअल कोलेब्रेशन करके भी एक ही क्लाइंट पे मल्टीपल आपके पार्टनर्स जो है ना, आप उसको मैनेज कर सकते हैं. ओके जी, ब्लॉक लिस्ट हमने देख ली, रजिस्ट्रेशंस ऑफ न्यू पेजेस सॉरी, सिलेक्ट विच न्यूज पेजेस यूड लाइक टू रजिस्टर. न्यूज पेजेस, ठीक है जी. इफ योर पेज इज स्प्रेडिंग न्यूज, अगर आपने कोई न्यूज का पेज बनाया हुआ है, तो आप उन पेजेस को यहाँ सिलेक्ट करेंगे कि जी ये पेज है जो कि न्यूज पब्लिश करता है, क्योंकि आजकल फेसबुक जो है बड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है न्यूज पेजेस के हवाले से, कि कहीं भी कोई फेक न्यूज ना चले, किसी भी किस्म की जो है ना कॉन्ट्रोवर्सीज ना क्रिएट हो. तो उसके लिए आप यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं इफ यू आर अ न्यूज एजेंसी और अ न्यूज ब्रांड. इंटीग्रेशन में हमारे पास आता है लीड्स एक्सेस. ठीक है, यू कैन कंट्रोल विच पीपल एंड सीआरएम्स कैन एक्सेस योर लीड्स बाय कस्टमाइजिंग लीड्स एक्सेस सेटिंग. अच्छा, लीड्स क्या होती हैं जी, आप एड्स बनाते हैं अलग अलग किस्म की. आप जब एड क्रिएट पे जाते हैं तो एक एड बनता है ब्रांड अवेयरनेस या रीच के लिए, जिसको अवेयरनेस सेगमेंट कहते हैं. दूसरा होता है कंसिडरेशन, तीसरा है कन्वर्जन. कंसिडरेशन में आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आता है लीड जनरेशन. तो लीड जनरेशन वाले सेक्शन पे क्या होता है कि जब आप लीड जनरेशन की कोई कैंपेन बनाते हैं तो यूज़र से आप उसकी थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसका नाम नंबर ईमेल वगैरह, कि आप अपनी डिटेल्स हमें दे दें, बाद में हम कांटेक्ट करेंगे आपसे और फिर आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या आपसे सेल्स लेने की कोशिश करेंगे. तो इस कंसिडरेशन वाले सेक्शन में जो लीड जनरेशन वाला टॉपिक है ना, यहाँ पे आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा जमा होता रहता है. वो डेटा किस तरह का नज़र आता है वो भी मैं एक आपको सैंपल दिखा देता हूँ. मोस्टली ज़्यादातर रियल इस्टेट्स या इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं ना सर्विस रिलेटेड, उन पे ये चीज़ ज़्यादा जो है ना यूज़ होती है, लीड्स एंड लीड्स फॉर्म वगैरह. अच्छा, इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मैंने लीड जनरेशन कैंपेन्स बनाई, तो यहाँ पब्लिशिंग टूल्स में यहाँ पे मुझे फॉर्म्स लाइब्रेरी, लीड एड्स फॉर्म्स में फॉर्म्स लाइब्रेरी यहाँ नज़र आ रही है. ठीक है, इन्होंने बोला जी अच्छा आपके फॉर्म्स मूव हो गए हैं बिजनेस सुइट में. तो अब आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे चीज़ें जो है ना बिजनेस सुइट की तरफ मूव होती जा रही हैं. सो द अर्लियर यू कम हेयर द मोर एक्सपीरियंस यू विल बी. अच्छा जी, यहाँ पे मुझे लीड एड फॉर्म्स दिखा रहे हैं मेरे सारे. ठीक है, अच्छा फिल्टर इसमें अभी इसने क्या यूज़ किया हुआ है, एक्टिव. मैं चाहूँ तो यहाँ से एक डेट भी ले सकता हूँ कि जी मुझे इस क्वार्टर की जितनी भी लीड्स है ना वो मुझे दिखा. ठीक
है, एक्टिव या आर्काइव भी कर सकता हूँ। ठीक है, आर्काइव कोई भी नहीं है, एक्टिव कर देते हैं। तो जी पता चला कि इस क्वार्टर में, लास्ट 3 और 4 मंथ्स में, ये लीड्स आई हैं अलग अलग कैंपेन्स की। लेट से इस पे 2007 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, यहाँ 21 लोगों ने फिल किया है, यहाँ 14 लोगों ने और यहाँ 95 लोगों ने। आप इन लीड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे पूछेगा जी कि क्या करें, सब लीड्स को डाउनलोड कर लें क्या, सिर्फ न्यू लीड्स को? न्यू लीड 0 है। तो मैंने कहा जी नहीं, डाउनलोड कर दें आप, मैक्सिमम कर दें जितनी भी है सारी। किस फॉर्मेट में करनी है जी? CSV में, XLS में, जिसमें चाहें आप कर सकते हैं। डाउनलोड हो गई यहाँ पर, तो डाउनलोड करके अब आप देखें तो आपके पास ये एक एक्सेल फॉर्मेट में लिस्ट ऑफ यूजर्स जिन्होंने आपका एड देखा, उस एड पे क्लिक किया, एक फॉर्म ओपन हुआ, उस फॉर्म को खोला, उस फॉर्म की जितनी इंफॉर्मेशन आपने मांगी थी वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, जैसे कि उनका फुल नेम, उनका फ़ोन नंबर, ठीक है, वर्क फोन, सिटी, ईमेल एड्रेस। तो ऐसी ये पूरी लिस्ट आपके पास आ जाती है डेटा की, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन टुडेज टाइम, डेटा। ठीक है जी, तो ये हम देख रहे थे लीड फॉर्म को। ठीक है, तो उस लीड का जब आपको एक्सेस शेयर करना हो किसी और बिजनेस के साथ, किसी और एप्लीकेशन के साथ, तो वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं कि जी इस पेज पे जनरेट होने वाली लीड्स शेयर कर दो। देन वी कम टू पेमेंट मैथड्स। पेमेंट मैथड्स में आप क्या कर सकते हैं, बींग अ बिजनेस मैनेजर, आप यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, एड अ न्यू पेमेंट मैथड करके, या किसी और के क्लाइंट के आप क्रेडिट कार्ड का एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों में आप जितना इन्वॉल्व होंगे, जितना स्टडी करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आप करेंसी सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, देन उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह पे जाके नेक्स्ट करते हैं, वो आपसे कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, एंड देन यू कैन ऐड योर पेमेंट मैथड। देन देर इज़ अ सिक्योरिटी सेंटर। सिक्योरिटी सेंटर में जी आप क्या करते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यहाँ लगा सकते हैं, आप एक और एडमिन ऐड कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस वेरीफाई कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि आप सबको करना होगा। प्रीवियस क्लासेस में मैंने बात की थी कि आप सब एक डोमेन लेके रख लें, और हमने बात की थी कि आपके पास, सबके पास अपना जो है ना एक इंडिविजुअल नंबर होना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आप अरेंज करेंगे तो आपके लिए जो है ना ये फ़ायदे में रहेगा। बिजनेस वेरिफिकेशन पे जब आप आएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि ना आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होंगे, ना आपके पास जो है ना मसले आएंगे ज़्यादातर, आप उन चीज़ों को अवॉइड ही रखेंगे। ठीक है जी, रिक्वेस्ट में यहाँ पे आपको नज़र आता है किसने आपको इन्विटेशन भेजा है, आपने किसी को इन्विटेशन भेजी हुई है, कितनी इन्विटेशन आपने रिसीव की हुई है। ठीक है जी, कितने लोगों को आपने ज्वाइनिंग की दावत दी हुई है, कितने लोगों ने आपको ज्वाइनिंग की दावत दी हुई है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन सेक्शन में आप सेट कर सकते हैं अपने कि क्या क्या नोटिफिकेशंस आपको चाहिए। ये नोटिफिकेशंस का आप आइकॉन देख रहे हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि जी क्या नोटिफिकेशन मुझे चाहिए और क्या नोटिफिकेशन मुझे नहीं चाहिए। बिजनेस इन्फो में ये सारी मेरी बिजनेस इन्फो देते शो कर रहा है बेसिकली, जो आप भी ऐड करेंगे अपनी, ठीक है, आपकी वेबसाइट आ जाएगी, उसके अंदर आपकी डिफरेंट जो है ना इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सब आपकी यहाँ शो हो रही होती है। सेटअप गाइड क्या है कि जी आपको सारी चीज़ें सेटअप करना सिखाएगा फेसबुक खुद, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन देयर इज दिस नोटिफिकेशन बार।
ये सारे मेरे एसेट्स यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये सारे टूल्स वगैरह। अगर मैं चाहता हूँ, अच्छा जी, तो खैर अब ये भी मोरलेस वही सेम चीज है, जस्ट ये थोड़ा लेआउट डिफरेंट है, थोड़ा और प्रिसाइज है। हम चाहें तो यहीं से दोबारा सेटिंग्स पे जाके आप अपनी वही सारी चीजें दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको ये वाला लेआउट नजर आता है तो इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आपको होम नजर आ रहे हैं, नोटिफिकेशन नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनबॉक्स नजर आ रहा है आपको कि आपके मैसेज में, आपके बेसिकली इनबॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, जितने भी आपके मैसेजेस हैं ना, मैसेंजर, इंस्टाग्राम वगैरह, वो सब के क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप यहीं से बैठ के मैनेज कर सकते हैं। पोस्ट एंड स्टोरीज आपकी यहाँ पे शो हो जाती हैं, ठीक है, यू कैन इधर क्रिएट पोस्ट, क्रिएट स्टोरी, आप अपनी उन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये सेक्शन भी आई थिंक इतना टेक्निकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स में अगेन वो हमें कॉमर्स पेज पे ले गया, मैं यहाँ से अपना जो बिजनेस था उसको सिलेक्ट करूँगा, तो वो मुझे इससे रिलेटेड कॉमर्स एसेट्स यहाँ दिखा देगा, ठीक है। अगर नहीं है तो लेट्स से आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं अपनी शॉप, ठीक है जी। प्लानर के आ जाते हैं कि जी इफ यू वांट टू शेड्यूल पोस्ट, तो आपको एक ही कैलेंडर दे देते हैं, आप यहाँ पे लिखें, सोचें, समझें, बनाएं अपना कैलेंडर की जी मैं किस दिन क्या पोस्ट करूँगा, ठीक है। पोस्ट शेड्यूल की आपने, आप यहीं से पूरी टेक्स्ट लिखें, फोटो डालें, सब चीज़ें करके आप उसमें यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं कि जी इस डेट के लिए शेड्यूल कर दो। तो यहीं पे रहते रहते आप अपने हर दिन की पोस्ट जो है ना वो आप शेड्यूल कर सकते हैं इस प्लानर के साथ। तो आपको ये नहीं है कि हर दिन फेसबुक खोलना है, हर दिन पोस्ट करनी है, हर दिन कैप्शन लिखना है। आप एक दिन बैठे हैं पूरे महीने का जो ना कैलेंडर बना के उसको शेड्यूल कर दें, वो ऑटोमेटिकली आपके बताए हुए दिन और टाइम पे पोस्ट होता रहेगा। ये सब अपने पेज पे सेट करते हैं और दिस इज फॉर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर इज वॉट एवर यू फील लाइक, मतलब फ्यूचर अगला मिनट भी हो सकता है, अगला दिन भी, अगला महीना, अगला साल भी, जब आपका दिल करे कि आपको अब मेहनत करनी है, आपने अपना काम शुरू करना है तो आप तब कर सकती हैं। अहरार को कुछ शो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है, मेरे पास सेटिंग इज ऑप्शन नहीं आ रहा। सेटिंग इज ऑप्शन क्या होता है अभी, अच्छा जी, देन उसके बाद अगेन एड्स हैं, इनसाइट्स हैं एंड ऑल टूल्स का ऑप्शन है। जब आप ऑल टूल्स पे जाते हैं तो आपको उसी उन्हीं सब टूल्स की मजीद जो है ना एलेबरेटेड फॉर्म एक नज़र आ जाती है, जिसमें से यहाँ तक सेम है। बिलिंग एक ऑप्शन ऐड हो गया जो आप अपने बिल्स देख सकते हैं, बिजनेस एप्स यहाँ पे शो हो जाती हैं, फाइल मैनेजर जहाँ पे आप अपनी सारी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली वो आप सब यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, जिस तरह वो कैलेंडर हमने देखा था उसी तरह उससे रिलेटेड आप कंटेंट वगैरह सब वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। पेज सेटिंग्स में जब आप क्लिक करेंगे आप अगेन, क्योंकि वो एक्सटर्नल लिंक है, वो आपको दोबारा से उसी पेज सेटिंग्स पे ले गया जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है जी। व्यू पेज भी एक्सटर्नल लिंक है, वो आपको पेज खोल के दिखा देगा। एडवर्टाइज के सेक्शन में आपको सारी एड्स रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ पे आपको इंस्टेंट फॉर्म्स भी आ गए, लीड सेंटर भी आ गए, एनालिसिस एंड रिपोर्ट में आपको एड्स रिपोर्टिंग का भी एक्सटर्नल लिंक नज़र आ जाता है, आपको इनसाइट्स भी यहाँ से इसी पेज पे ये शो कर देता है। ओके, तो अलग अलग इनसाइट्स के फॉर्मेट, अलग अलग यूआई से घबराइएगा नहीं, ये सब अलग अलग चीज़ें एडवांस्ड ही हो रही हैं। पहले हमने बड़ी बेसिक फॉर्म देखी थी, अब हम थोड़ा उसकी एलेबरेटेड फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है। एड्स रिपोर्टिंग वाइज आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने एड परफॉर्मेंसेस की। ओके जी, सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे कॉमर्स और सर्विसेज का सेक्शन है, इसको भी हम इंडिविजुअली थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक है, कॉमर्स में अगेन वही शॉप ऑपरेट करेंगे, आपका कॉमर्स अकाउंट बन जाएगा। सर्विसेज में क्या है जी, इफ़ यू आर ऑफरिंग अ सर्विस, ठीक है, तो आप सर्विस की फ़ोटो वगैरह बना के डालेंगे तो आई थिंक ये आपके जो सर्विस सेक्शन या मार्केट प्लेस जो है ना फेसबुक का, वहाँ पे ये शायद शो हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद क्रिएट में पोस्ट और योर एड है, जो आप इसको समझते भी हैं लेके चल भी सकते हैं पोस्ट एंड स्टोरी को, एटलीस्ट एड्स को हम डिटेल में देखेंगे आगे चल के। अच्छा जी, ऐसा लेआउट आ रहा है मेरे पास, इसमें पेजेस कैसे ऐड करेंगे, इस लेआउट में पेजेस कैसे ऐड करेंगे, अच्छा देखिए देखते हैं। इसलिए आउट में आप जाएंगे आई थिंक, या तो क्रिएटर स्टूडियो पे जाना होगा आपको, या आपको बिजनेस सेटिंग्स में जाना होगा, देखें। अच्छा जी, क्रिएटर स्टूडियो में यहाँ पे आपके पास हमें यहाँ पेज का ऑप्शन यहाँ नहीं हो रहा, या अच्छा जी यहाँ से नहीं हो रहा, ये आपको आई थिंक यहाँ से सेटिंग्स एंड हेल्प पे जब आप जाएंगे ना, यहाँ से आप सेटिंग्स में जाए तो आप दोबारा उसी पुराने लेआउट पे चले जाएंगे, ठीक है। बिजनेस एसेट्स, पेजेस, एड एसेट, ठीक है, यहाँ पे भी फेसबुक पेज, क्रिएट एनी फेसबुक पेज, यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, सेटिंग्स, अगेन सेटिंग्स, यहाँ से हम गए बिजनेस एसेट्स, ऑल एसेट्स भी हैं लेकिन हम पेजेस पे चले गए और ऐड एसेट्स कर दिया। ऑल एसेट्स पे रहते हुए भी आप ऐड एसेट्स कर सकते थे, ऐड अकाउंट्स पे रहते हुए भी आप ऐड एसेट्स कर सकते हैं, कहीं से भी आप ऐड एसेट करेंगे तो आप अपनी मल्टीपल जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे व्हाट्सएप अकाउंट हो, एडवर्टाइजिंग, कॉमर्स या अदर ऐप्स रिलेटेड चीज़ें, आप सब यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट होगा, हाँ जी फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक हमने फेसबुक बिजनेस मैनेजर और फेसबुक बिजनेस सुइट को देखा है। एक वीडियो जल्दी से देख लेते हैं इसके मोबाइल वर्जन की। आई होप इसमें Facebook application, which is the Facebook app. This is the Facebook app. Normally the Facebook app also allows you to manage your Facebook page. All you need to do is to click on the menu icon right there, click on pages, and now locate the exact page you want to manage, and this is the page. So right from here we can do a lot of things. You can notice, you can see the videos, you can upload, you can post. There is an option for you to make posts. You can also edit your page. There are some few details and options you can do on editing the page. This is where you have to create post, and you can also create a story right there. You see, there is a way for you to create a story, but there is actually limited things you can do. Now you notice the option for you to create a story right there. Let me go ahead and click on it even more, once more. Now you notice it allows me to actually create
And also, I can go ahead and allow access to my post and publish. Now, any post I'm publishing is going to be published to my Facebook page. But if you want me to, if you want to always link your Instagram, go ahead and select this option to always link to the Instagram. And this is the Instagram. So it's going to share to your Instagram page. And then that's that. Let me go ahead and back out. I don't want to post anything right now. And then apart from that, you can click on the overview to actually check how your pages is doing, what is going on, or the latest things that is going on your page. Very quick review right there, or let me say a very quick insight on how your page is actually doing. But it doesn't actually go in depth of everything, but you can see, click on see to see more and to see a lot of even more thing. That is how the Facebook actually works. Now let me go ahead and back out. Of the overview, and you can also run ads. When you click on the ads, you can go ahead and check active ads, create ads, or manage a running ad by clicking on this section. Although there are other tools or other app that you can do better in that, and you can also check the inbox area. You notice when I click on the inbox right now, it actually navigated to a different application, which is actually not what I want to do right now, but I'm going to show you guys even later on. So they actually removed this button for inbox. So when you click on that, if you don't have that particular application, it's going to open Facebook Business Messenger or Facebook Messenger. And if you click on notification, it's actually going to show all of the notification you received so far from your Facebook business page. Let me go ahead and back out. And there is also this resource tool that actually, if you want to learn more about how to manage, build your page, grow your page, and to make it successful, that is what that does. And there are even more settings when you click on more to manage your pages and a lot of other things you can also do. Very cool, right? But now let me go ahead and back out and open the next application. So the next application is actually called Facebook Creator. Facebook Creator Studio. So under the Facebook Creator Studio, you cannot do everything you can do on your Facebook page right here. Okay जी, थोड़ा सा quick हमने overview देख लिया mobile application of Facebook Business Manager, Facebook Business Suite actually. ठीक है. अच्छा, सिनेरियो ये है कि जानबूझ के थोड़ी बहुत इस तरह की मैं वीडियोस वगैरह चला देता हूँ आप लोगों तक, तो आप लोगों को भी ना अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश भी आ जाए और बड़ी जो है ना स्पॉन्टेनियस भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अच्छा सडनली अगर कोई क्लाइंट आता है और वो अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड एक्सेंट में आपसे बातें शुरू करता है तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट और यू शुड बी एबल टू इवन रिस्पॉन्ड टू इट एक्चुअली. ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि लास्ट क्लास के बाद मैंने कुछ स्टूडेंट से कहा था कि आपको कोई भी इशू आ रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजें. एंड ऑनेस्टली बड़ा जो है ना परेशान हुआ मैं देख के कि जब स्क्रीनशॉट्स के नाम पे मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन की तस्वीर मिली मोबाइल से खींची हुई, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि व्हाट नीड्स टू बी डन, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत क्विकली और बहुत आगे और बहुत स्पीड से जो है ना चीज़ों को लेके जा रहे हैं और जबकि बेसिक्स ही हमारी सही नहीं है. हालांकि मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ कि इफ़ देर इज़ समथिंग दैट यू डू नॉट नो या आप अवेयर ही नहीं है एक चीज़ से कि ये चीज़ किस तरह होती है, तो फर्स्टली आस्क समवन. जितनी जल्दी पूछ लेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा. एक कहावत है कि जो शख्स सवाल पूछता है वो सिर्फ उस वक्त तक जो है ना, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता बट मैंने वो ऐसे ही सुना है कि वो सिर्फ उस वक्त तक जाहिल होता है, लेकिन जो सवाल नहीं पूछता है वो हमेशा के लिए जाहिल रह जाता है. तो पहली चीज़ सवाल पूछें कि सर ये किस तरह से करना है. दूसरी चीज़ अगर सवाल नहीं पूछ रहे तो रिसर्च करें, गूगल सर्च इंजन से दोस्ती करें. आपकी 90% प्रॉब्लम्स, मैं इनफैक्ट अभी आपको बताता हूँ, मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त आप ही की यूनिवर्सिटी के UBIT से ग्रेजुएटेड हैं,
90% की मैं बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट वैसे तो 100 ही है, मैं सिर्फ ऐसी नंबर के लिए 90 बोल रहा हूँ। 90% जो दोस्त है ना मेरे, वो प्रोग्रामर्स हैं, कोडिंग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में अपनी अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, बट दे स्टिल यूज गूगल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ऐसा तो नहीं है ना कि एवरीबडी नोज एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता भी होती हैं लोग भूल जाते हैं। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप एक दफ़ा सर्च कर लें। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना, जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसके लिए एक टूल आता है, स्निपिंग टूल, SNIPPING, स्निपिंग टूल, जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। आप सिर्फ सर्च करेंगे स्निपिंग टूल तो आपको वो स्निपिंग टूल मिल जाएगा, नहीं हो तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एक और आपका ऑप्शन होता है स्टिकी नोट्स का, एक और एप्लीकेशन होती है। स्टिकी नोट्स से क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ याद रखनी है आपको स्टिकी नोट्स, ये भी आपके कंप्यूटर्स में अब जो है ना अवेलेबल होती है। मोशन प्रिंट स्क्रीन भी जो है ना एडिशनल स्टेप है कि आप प्रिंट स्क्रीन दबाते हो, फिर उसके बाद किसी और एप्लीकेशन में जाके उसको पेस्ट करते हो। वैसे आजकल ईजी हो गया कि अगर आपने व्हाट्सएप अपना कंप्यूटर पर कनेक्ट किया हुआ है, हाँ ये भी अक्सर लोगों ने नहीं किया हुआ, व्हाट्सएप वेब एप्लीकेशन आ जाती है, तो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर आ गया, आप अपने व्हाट्सएप को अपने सिस्टम से ही कनेक्टेड रखें। और यहाँ सिंपल है, आपके की पैड पर ये प्रिंट स्क्रीन का बटन है, आप बस इसको प्रेस प्रेस करें और आप उसको कंट्रोल वी कर दें चैट खोल के, तो वो वहाँ पे मुझे पेस्ट कर दें, तो आप मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। जस्ट इन केस नहीं भी होता तो आप स्नैपिंग टूल से, आप चाहते हैं जी मैं पूरा पेज का स्क्रीनशॉट ना दूँ, एक पर्टिकुलर सेक्शन का स्क्रीनशॉट देना है, तो आप स्निपिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ स्टिकी नोट्स, एक अच्छा यूजेज है उसका, आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन अगर गूगल एक्सटेंशंस की बात करते हैं, तो गूगल एक्सटेंशंस की एक बड़ी जो है ना लिस्ट है जो आपके बड़े फ़ायदे में आएगी, आपके काम में आएगी, जिसमें से एक हमने जैसे बात की ग्रामरली की। ग्रामरली का एक्सटेंशन होता है, आप नेट पे कुछ भी कर रहे होते हैं आपकी स्पेलिंग सही करता रहता है वो हाथ के हाथ। इसी तरह मैं एक और एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, वो इमेजेस डाउनलोडर का है। मुझे किसी भी वेबसाइट से इमेजेस डाउनलोड करनी होती है, मैं वो एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, मुझे उस वेबसाइट उस वेब पेज की सारी इमेजेस डाउनलोड करके दे देता है। उसके अलावा मैं एक और अलग अलग टाइप के जो है ना एक्सटेंशन यूज़ कर रहा होता हूँ, कोई मुझे वेबसाइट के एनालिटिक्स बता रहा होता है, कोई मुझे बेसिकली अलग अलग जो है ना ऑफर्स बता रहा होता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में क्या ऑफर्स चल रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जी मुझे पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे मतलब मुझे पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेना है, सिर्फ उस एरिया का नहीं जो मुझे सामने नज़र आ रहा है, तो उसका भी एक अलग एक्सटेंशन है मेरे पास। वो पूरा पेज को लोड करके उसकी पूरा एक बड़ी सी है ना, एक लंबी सी स्क्रीनशॉट लेके मुझे दे देता है। ठीक है, तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, उसके लिए मैं एक ये लिंक यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग कोशिश करें, इसमें से जो जो भी एक्सटेंशन आपको लगता है आपके काम आएंगे, सारे ऑथेंटिक हैं, सारे सिक्योर हैं, सारे बैक बाय गूगल हैं, तो कोई मसला नहीं होगा आपकी सिक्योरिटी का। और हब स्पॉट की रिकमेंडेशन है, विच इज़ ऑलरेडी अ वेरी बिग प्रोमिनेंट नेम इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया वर्ल्ड। ठीक है, तो आप इनको यूज़ करके अपने कामों को आसान करें, क्योंकि वर्कलोड बहुत है डिजिटल मीडिया की दुनिया में, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा आप अपना काम आसान करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी रहेगा, उतने ही आप प्रोफेशनल नज़र आएंगे। ठीक है जी, तो ये थी चंद बातें। अब आप लोगों के अगर कुछ सवालात हैं तो आप हैंड रेस कर लें, पूछते हैं। जी दरा, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। इससे पहले वाली क्लास में आप हमें वो बता रहे थे बिजनेस हेल्प के नाम से, आपने एक बताया था फेसबुक बिजनेस के अंदर ना, तो जो आपने ये भी कहा था कि अगर ये टूल किसी के पास यहाँ पर शो हो रहा है तो वो बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन वो मेरे पास शो नहीं हो रहा वो। हाँ, तो फिर आप खुशकिस्मत नहीं है, इसका मतलब। लेकिन मैंने वैसे अलग से रिक्वेस्ट तो डाल दी है, अब वो फिर हाँ से, हालांकि मेरी चैट हुई थी जिस तरह आप बता रहे, उस तरीके से मेरी भी चैट हुई थी, लेकिन खैर मैंने फिर उन्होंने मना कर दिया तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो सर उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है उनको? नहीं, इसके अलावा तरीका ये है कि छोड़ना नहीं है, पीछे पड़ के रहना। मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि मेरा 2 महीने तक इन्होंने ऐड अकाउंट, या इनफैक्ट मेरा पर्सनल अकाउंट बंद रखा था, जिसकी वजह से सारे ऐड अकाउंट मेरे मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स जो थे वो परेशान हो गए कि यार एड्स क्यों नहीं चल रहे, क्या मसला आ रहा है।
और उन क्लाइंट्स को मैंने बोला भी कि भाई मेरा मसला चल रहा है, मुझे नहीं पता इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है, मैं न्यू आईडी बनाऊंगा, उसको भी बिजनेस मैनेजर सॉरी बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम को थोड़ा वार्म अप होने में 10-15 दिन लग जाते हैं, फिर उसके बाद पिक्सल बनाऊँ, फिर दोबारा से जीरो से स्टार्ट करूँ। तो मैंने क्लाइंट्स को कह दिया था कि जी इफ़ यू वॉन्ट टू लीव यू कैन लीव एंड गो फॉर एनी अदर एजेंसी, बिकॉज मेरे पास से तो अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो कुछ क्लाइंट्स थे, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स थे, वो परेशान ऑब्वियसली सारे हुए, गया कोई भी नहीं। मैंने उस बहाने से बस कोशिश की, कुछ क्लाइंट जो सर का दर्द बने हुए थे उनको हटा दिया कि नहीं भाई काम ही नहीं हो रहा क्या करें, लेकिन मसला था और मैं पीछे पड़ा रहा। मैंने एक दिन नहीं छोड़ा कि जिस दिन मेरी फेसबुक की टीम से ईमेल पे बात ना हुई और प्रॉपर केस बना के भाई एज अ लॉयर मैंने उनको यहाँ तक की धमकी दे दी थी कि अगर आपने, क्योंकि मेरा मेरे पास उनका एक वीक पॉइंट आ गया था कि आपने ब्लॉक की है मेरी आईडी अभी और आपने शो किया है कि आपने जनवरी में बंद कर दी थी, तो मैंने कहा इस बेस पे मैं आपके खिलाफ मैं यूएस आऊंगा और यूएस आके आपको सू करूंगा, केस करूंगा। तो इन चीज़ों से ये लोग बड़ा डरते हैं। तो ये चीज़ थी कि टाइम लगा लेकिन इवेंचुअली सॉल्व हो गई। तो इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक ऑप्शन है, पाकिस्तान में एक कंपनी है डायल जीरो के नाम से, वो फेसबुक की ऑफिशियल जो है ना एजेंसी है पाकिस्तान में, जो अभी कोर्स भी करा रही है, अच्छा याद दिलाया, वो अभी कोर्स करा रही है फेसबुक राइज के नाम से या राइज पाकिस्तान के नाम से। आप सब उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक ब्लूप्रिंट की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन मिलेगी आप लोगों को वो कोर्स करके। इनफैक्ट मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है वो चीज़ करके, तो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन जो आपकी सीवी पे आपके पोर्टफोलियो पे होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सर आप जैसे कह रहे हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान में फेसबुक के, तो अगर हाँ, उनसे कांटेक्ट करें तो ये वाला मसला हल हो सकता है। हाँ, अगर उनमें आपका कोई रिश्तेदार है करीबी, कजन वजन के, कजन का भाई भाई, तभी होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप उनके पास चले जाएं और वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जस्ट एक है कि एक उम्मीद है कि वो उनकी, क्योंकि उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है फेसबुक के साथ, तभी हो सकता है, वरना आपकी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है फेसबुक के साथ। ये बात ध्यान में रखिएगा कि फेसबुक पे जितने बैठे हुए हैं ना एजेंट्स वगैरह, ये सब मोस्टली इंडियंस या जो है ना, एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी क्लास है जिसको खुद ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है किस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है। उनको एक बनी बनाई स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। कोशिश करते हैं कुछ लोग अपनी हद तक, लेकिन मोस्टली जो है ना आपको वही करते हैं, टोपियां ही कराते हैं कि जी नहीं पॉसिबल नहीं है दिस एंड दैट। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था, भी आपने पेमेंट मेथड का बताया था जिसके अंदर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट ऐड करनी है। जी सर, मैं तो, मेरा पेज पुराना है, मैं काफी टाइम से ऐड चलाता आ रहा हूँ उसके ऊपर। अभी रिसेंटली मैंने ऐड चलाया था, तो उस वक्त एट द टाइम तो पेमेंट नहीं कटी थी, उसके तकरीबन 20-25 दिन बाद मेरे क्रेडिट कार्ड से ना पेमेंट कट हुई थी। तो खैर मुझे सब तो पता नहीं चला कि ये मेरे ऐड से कटी है। तो जब मैंने ये सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो बैंक को मैंने कॉल करी कॉल सेंटर पे, तो उन्होंने मुझे एक क्रेडिट कार्ड के पीछे सीवीवी कोड होता है कोई 3 डिजिट्स का, तो उन्होंने मुझे कोई भी पेमेंट मेथड किसी भी वेबसाइट पर डालने के लिए जो है ना उन्होंने मना किया था कि ये सिक्योर नहीं है, उस कोड के जरिए जो है ना वो आपकी कभी भी कोई भी पेमेंट कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप फेसबुक पे से डालने को कह रहे हैं तो सिक्योर है? हाँ, फेसबुक देखें, फेसबुक ऑलरेडी इटसेल्फ इज अ ब्रांड, और अगर फेसबुक को नहीं देंगे तो आपका काम कैसे होगा। ये बेसिकली सीवीवी कोड आपका होता है इसलिए जब आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे होते हैं ना, तो अगर आप ऑनलाइन एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो आप, अब तो ये हो गया है नेटफ्लिक्स पे आपका कार्ड इंस्टॉल होता है, अमेजोन पे होता है, दराज पे लोगों ने किए हैं, फूडपांडा पे किया हुआ होता है। तो अगर आप उस सोर्स को ऑथेंटिक समझते हैं कि जी यार ये भरोसे के काबिल है, तो आप उसको अपना सीवीवी दे सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन उस पर भी आप सिक्योरिटी अपनी लगाएं कि जब जब भी ट्रांजेक्शन हो, या तो बैंक मुझे कॉल करे वेरिफिकेशन के लिए कि जी ये कॉल आपने अलाउ की है, ये ट्रांजेक्शन आपने अलाउ किया, या फिर जी मुझे हर दफ़ा जो है ना एक आई थिंक एक फीचर आता है नोटिफिकेशन का, कि मुझे नोटिफिकेशन है मैं उसको अप्रूव करूँ तो ये पेमेंट पास हो। तो उसके लिए आपको अपना बैंक जो है ना बड़ा सोच समझ के देखना पड़ेगा कौन ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा सर, काइंडली फेसबुक पेज से रिलेटेड सारे लेक्चर्स, एक लेक्चर तो मैंने अपलोड कर दिया है, पहला वाला रहता है और आज का जो है वो अब हो जाएगा इंशाल्लाह। जी अथर कर रहे हैं राइस पाकिस्तान, आप सब लोग भी करें, और अभी जो आई थिंक कनेक्टेड पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसको भी देखें, उसको भी फॉलो करें, और यूट्यूब पे देखें जितनी वीडियोज जितने सेशन आपको मिल सकते हैं उसमें से। ठीक है, उन सब लोगों को भी फॉलो करें, आपको काफ़ी हेल्प होगी अपनी इंडस्ट्री में। कोर्स हेड का क्वेश्चन है, बट मैं जस्ट प्रोफेशन के लिए पूछना चाहता हूँ, चाहती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो ऐप
या शायद वेबसाइट है जहां आईडी बनानी होती है, वो क्या है सर? बड़ा डिटेल टॉपिक है क्रिप्टो का, आप पहले गूगल करें ना, फिर उसके बाद आपको ये सब तो यूट्यूब वगैरह से बेसिक्स मिल जाएंगे आपको, बस वकार जका को नहीं करिएगा फॉलो, वो समझाएगा कम बातें ज्यादा बनाएगा। आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से ना कोशिश करें, उर्दू हिंदी में भी आपको मिल जाएगा कि बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो, वो अच्छा समझा रहे हैं अपना, क्या नाम है यार उस लड़के का, तो दोस्त थे ब्लॉग बनाते थे, मैं उसका नाम भूल गया। और मजे की बात, यूट्यूब खोला सामने वो आ गया, यार रामेश करके ही पेज है, ठीक है रामेश ऑन करते हैं इस पेज को, ये पेज का लिंक भी मैं दे देता हूँ यूट्यूब का। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, क्रिप्टो, बाइनेंस, एनएफटी, ये सब चीज़ें आप अगर सीखना चाह रहे हैं, तो आप रामेश का पेज फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज एग्जैक्ट नेम ऑफिशियल पाकिस्तान, ऑप्शन फेसबुक ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान, डायल 0, DIALZER O। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। टॉक टू सहर खान, डायल 0 चीफ क्रिएटर। सहर मैम को मेरा रेफरेंस भी अगर आप दे देंगे तो थोड़ा हो सकता है आपका काम इजी हो जाए। ठीक है जी। हाँ राइस पाकिस्तान हो गया, क्या नाम है वेबसाइट का, हो गया, थैंक यू सर। राइस पाकिस्तान इज ऑफरिंग फ्री फेसबुक ब्लू प्रिंट सर्टिफिकेट, 0 भी आ गया, मैंने सुना उसी से है लेकिन मैंने उससे समझने की कोशिश की। ओके सीक्रेट हो गया, काइंडली व्हाट्सएप चेक कर लें, ठीक है उसमें देख लेते हैं। ओके ठीक है गाइस, कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्रिएटर स्टूडियो को देखेंगे और साथ में थोड़ा अब एड्स की तरफ भी मूव करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो तो मुझसे ज़रूर बताएं, सवाल पूछें, ठीक है इल्म में ही इजाफा होगा। जी अता, क्या पूछना चाह रहे हो आप? सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। सर, मैं पूछना ही चाहता था, अभी आप बताया पिक्सेल्स को कनेक्ट करने का, सर वो चीज समझ नहीं आई किस तरह हम पिक्सेल्स को कनेक्ट वो करेंगे। अभी मैंने सिखाया भी नहीं है, वो सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया है। जब हम आएंगे ना ई कॉमर्स की तरफ और वेबसाइट जब हमारी बन जाएगी वर्डप्रेस या शॉपिफाई की, और उस पर जब हम कनेक्ट करेंगे पिक्सेल को, तब मैं सिखाऊंगा उसको, ठीक सर, है? मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ जी सर, एक क्लाइंट ने एप्पल पे मैंने अप्लाई किया था, तो उसने कहा मेरा काम यह है कि ऑनलाइन करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं कर सकता, आप मुझे डायरेक्टली जो है एप्पल पे कांटेक्ट करें। उसने कहा ठीक है एप्पल पे कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन अभी आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपको डिटेल्स वहाँ शेयर करूँगा। तो मैंने उससे वहाँ पे कांटेक्ट किया, तो उसने कहा कि मैं पेमेंट जो है ना आपको ऑनलाइन पोस्टिंग करने, जैसा क्या कहते हैं हाउसेस वगैरह जो होते हैं US में, उसकी जो सेल्स वगैरह है वो सेल करने होते हैं, तो उसकी जो लिस्टिंग है वो आपको फेसबुक करनी होगी। तो उसने कहा कि मैं आपको पेमेंट जो है अपवर्क के थ्रू नहीं करूँगा, पेपल या बैंक में डायरेक्ट भी करूँगा, कैसा करना चाहिए मुझे? नहीं, आप उसको पेपॉल तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं ना, बैंक अकाउंट भी आप अपना अपवर्क में कनेक्ट करें, आप उसको बोलें कि जी आप मेरे सर मैं बैंक, उनसे कांटेक्ट, जी क्या कह रहे सर हैं? उनसे कहा है कि आप मुझे वहाँ, हाँ लेकिन वो मना कर रहा है, कह रहे हैं मैं आपको बैंक में कर दूंगा, अपर के थ्रू नहीं कर रहा। मैं काम आप कर चुके हैं, भी शायद वो की वजह से कर भाग रहे हैं या क्या सीन है। हाँ नहीं बेसिकली देखिए वो कमीशन बचाना चाह रहे हैं अपना 20% जो फिर अपवर्क लेगा, ठीक है? लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप वो अलाउ नहीं करेंगे ना, तो और उसी इसी बंदे ने इस चैट का स्क्रीनशॉट लेके अपवर्क को ईमेल कर दी, तो अपवर्क आपका अकाउंट भी बंद करेगा और केस भी हो जाएगा कि जी आप फॉल्स प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं, और अपवर्क आपका अकाउंट भी बंद कर देगा। तो आप इसको तो पहले मना करें, और दूसरा ये इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके आप अपवर्क को भेज दें कि जी ये क्लाइंट जो है ना ये आउट ऑफ प्लेटफॉर्म जो है ना पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो उससे आपकी जो है ना प्रोफाइल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी थोड़ी, ठीक है, थैंक ठीक है? यू सर। वेलकम जी अथर शाह। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था, आई थिंक स्लाइटली ऑफ टॉपिक है, बट मेटावर्स के बारे में। यार अभी टाइम मेटावर्स में खत्म हो सर, गया है, इसको जो ना अच्छा थोड़ा ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेटावर्स को।
ऑलरेडी असल में ये जो रामेश का आपने बताया था ना, ही वाज लाइक के वो पूरी यूनिवर्स क्योंकि जुकरबर्ग बनाने जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप अपने रियल एस्टेट बना लेंगे तो उसको रेंट आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते सही कह हैं। रहा है, सही कह रहा है। ये और बेसिकली देखें, ये इस तरह से होने जा रहे हैं जैसे GTA गेम खेलते हैं ना हम लोग, जी ये मोर और लेस उसी तरह से ही होगा। और अब आपकी जो है ना एक एक वर्चुअल एक वर्ल्ड बनेगी, उस वर्ल्ड में नाइकी के भी स्टोर्स होंगे, उस वर्ल्ड में ब्रांड्स भी होंगे, उस वर्ल्ड में छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स भी होंगे, हमारा ई कॉमर्स स्टोर भी होगा, हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस भी होगा। तो जितनी जल्दी लोग ज्वाइन करके जितने एसेट्स पे कवर कर लेंगे, मेरे ख्याल में अभी किसी ने ले भी लिया पूरा शेयर, किसी ने परचेज कर लिया है, किसी ने जो है ना नाइकी ने अपने कॉपी राइट दे दिए, तो थिंग्स आर हैपनिंग अप। लेकिन अभी बड़ी प्राइवेटली हो रही है, बड़े जो है ना अभी टॉप लेवल पे हो रही है। ऑब्वियसली लेमैन तक आते आते वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ना छोटे लेवल तक पहुंच चुकी होंगी। और उसमें बस ये है कि अभी आपने करना है, क्योंकि सिंस इट्स नॉट लॉन्च्ड येट ऑफिशियली, हाँ बस इसकी जितनी भी अपडेट्स हैं ये ऐसी होगी जैसे स्टॉक्स खुलते हैं ना किसी नई कंपनी के आते, उसी तरह ये लॉन्च होगा और उसी वक्त आपको स्टॉक्स दिए जाएंगे कि जी अच्छा आपने फॉर एग्जाम्पल कराची में अगर एक ये लैंड लेना है तो जी ये $20 का आपको अभी मिलेगा। जैसे अभी ब्लॉक चेन हो गई या NFT हो गई, कि जब वो लॉन्च होती है तो बड़ी कम प्राइसेस में मिलती है। तो अभी सिर्फ आप लोग पैसे जमा करें, क्रेडिट कार्ड लेके रखें, तो अभी डॉलर तो सर लेके, वो हाँ उस यूनिवर्स को बना रहे हैं बेसिकली, अभी तो वर्किंग हो रही है। अभी एसेट्स बना रहे हैं। अभी जो स्पार्क AR का चल रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी का जो कोर्स भी करवा रहे हैं जी फेसबुक, जी उसमें वो यही कह रहे हैं कि अपने एसेट्स बना के डाल दें आप अभी। जी तो अब लोग जो है वो बहुत बड़ा कन्वेंशन हॉल है वो परचेस कर रहे हैं। अब उस हाँ कन्वेंशन हॉल में अगर आपने कोई इवेंट करना है तो जी आपको रेंट देंगे उसका। सो इट्स टू गुड टू बी ट्रू बाय द वे, बट लेट्स सी। देखिए, अब वही बात है कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस इससे गुजरी है, एंड इसके अलावा ना कोई फ्यूचर समझ भी नहीं आता है। अगर आप Web 3.0 की बात करें ना, तो इसका यही चीज है जो समझ में आती है कि अब अगर होगी तो यही होगी। और अगर आप देखें, नेक्स्ट क्योंकि बिग देखें थिंग। हमें क्यों नहीं समझ में आ रही, क्योंकि हम उस जनरेशन के नहीं हैं। हमारे माँ बाप को मोबाइल फोन नहीं समझ आता, स्मार्टफोन नहीं समझ आता, सोशल मीडिया नहीं समझ आता, तो वो ऑलरेडी प्रॉब्ली इसमें हमारे बच्चे जो है एग्जैक्टली वो इसी हमारे बच्चे VR लगा के यूनिवर्स में घूम रहे होंगे। होंगे, घूम क्या रहे होंगे, एक जगह बस बैठे हुए होंगे या लेटे हुए होंगे बेड पे, और उनकी जो है ना इंडस्ट्रियां चल रही होंगी मेटावर्स के अंदर। इनफैक्ट होलोग्राम से तो सर ये जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है हाँ, बिलावल, उसने इसने जलसा भी तो किया था। 5 साल पहले होलोग्राम, शायद किया होलोग्राम था। अलग चीज है, होलोग्राम इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये बट जो वर्चुअल वर्ल्ड में आपकी, ये रियलिटी जो है वो हाँ मतलब समझ आती है कि इट्स पॉसिबल है, पॉसिबल हाँ है। पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी हम गेम्स खेल चुके हैं। लोग जब इतना आवर्स उस गेम में लगा सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन अ वर्ल्ड जहाँ से आपको रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, रिटर्न्स भी जनरेट हो रहे हैं, आप ट्रांजेक्शन भी कर रहे होंगे, आपकी एक अलग दुनिया चल रही है। आप इसके लिए पता है क्या करें, ब्लैक मिरर के एपिसोड देखें, एक नेटफ्लिक्स पे शो आता है ब्लैक मिरर, वो आपको जरा ना इसकी समझाएगा डेप्थ और इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताएगा, ठीक है? तो वो चलें आप देखें, और थैंक यू बस सर। चलें ठीक है, कंक्लूड करते हैं। कार्ड इज डिक्लाइन, हाँ जी डेबिट कार्ड से नहीं होती पेमेंट, सिर्फ मिजान बैंक का डेबिट कार्ड होता है नहीं यार, और बाकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी होगी आपको, क्योंकि बहुत सारे डेबिट कार्ड्स के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं होती है। ठीक है गाइज, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, मजीद इसको आगे लेके चलते हैं।